भिवंडी का शाहीन बाग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है यहाँ पर जो महिलाएं अंदर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। और कहीं हम सुरक्षा की अगर बात करें तो जो तमाम वॉलेंटियर हैं यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, किसी भी तरह से किसी को भी जो रास्ता चलने के लिए जो यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं उनको भी किसी तरह से यहाँ पर तकलीफ ना हो। और एक बात और आपको बता दें, किसी तरह के वॉलेंटियर जो है अंदर महिलाएँ भी वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रही हैं और निगरानी रख रहे हैं कि किसी भी तरह का जो है यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और एक बात चीज़ और आपको दिखाना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर मुंबरा का शाहीन बाग हो, जिस तरह से आर्टिस्ट जो पेंटिंग के जरिए जो है इस कानून का विरोध किए हैं, उसी तरह से यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भिवंडी का शाहीन बाग है यहाँ भी जो है पेंटिंग के जरिए जो है दर्शाया गया है कि किस तरह से जो जामिया की छात्र का यहाँ पर छात्रा की जो है तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और सामने पुलिस वाला हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। हम आपको और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है आर्टिस्ट जो यहाँ पर हैं वो जो है यहाँ पर किस तरह की जो है तस्वीरें बना रहे हैं, जो यहाँ दीवार है किस तरह की जो है यहाँ पर तस्वीरें बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है यहाँ पर तस्वीर बनाई जा रही है, जिस तरह से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, महिलाएं जो है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, उसी संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है तस्वीर यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। आप जो ये यहाँ पर तस्वीर बना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आप किस तरह से इस कानून का जो है विरोध कर रहे हैं? क्या इसी तरह से जो तस्वीर बनाकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं? तस्वीर बना के हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर का कानून था वही सबसे सही था, हम NRC के खिलाफ हैं। NRC संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जिस जो आर्टिस्ट हैं इनका कहना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उस संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है CAA भिवंडी अगेंस्ट NRC, यहाँ पर जो किस तरह से जो है ये कलाकृतियाँ जो है बनाई गई हैं दीवारों पर खूबसूरती तरीके से। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि एक तरफ NO CAA NRC जो गांधी जी के हैं, गांधी जी हाथ में जो है बैनर लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, और जिस तरह से जो जामिया में जो फायरिंग हुई थी उसकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी तस्वीरें यहाँ पर जो है बनाई जा रही हैं। और एक बात ख़ास तौर पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये जामिया में जिस तरह से फायरिंग की थी उसकी फायरिंग की जो रिवॉल्वर है उसका आप रुख देख सकते हैं गांधी जी के तरफ है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस दिन फायरिंग ये हुई थी उसी दिन जो है नथुराम गोडसे ने जो है गांधी जी की भी हत्या की थी। तो उसके लिहाज से देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है एक आर्टिस्ट ने इस कलाकृतियों को बनाई है। यहाँ एक तरफ गांधी जी है और एक तरफ जो है जामिया में जो फायरिंग किया था, यानी एक तरफ से नथुराम गोडसे भी कह सकते हैं कि जो गांधी जी पे जो है फायरिंग कर रहा है जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या जिस तरह से हमने बताए हैं बात, क्या ये बात बिल्कुल वैसे ही है? बिल्कुल, जैसा कि गांधी जी का एक अरमान था कि कहते हैं कि गांधी के अरमान को, बापू के फरमान को, टीपू के अरमान को मत बांटो इस हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान में जिस तरह से गांधी अमन और चैन लाना चाहते थे, तो 30 जनवरी को एक प्लान के तहत एक मानसिकता देखिए कि 30 जनवरी को ही गोडसे ने गोली चलाई थी और हमारे बापू को जो है इस दुनिया से मतलब जो है उनको शहीद कर दिया गया था। और उसी तरह से 30 जनवरी को ही जो है यहाँ पर मतलब उसको जो मारा गया, हाँ, जिसका नाम गोपाल था। अब देखिए कि उसको जिस तरह से पकड़ा गया तो सब लोग देख रहे थे, हैरत में थे कि जिस तरह से उसको प्यार से पकड़ के ले जाया गया और वो उसको बताया गया कि तो नाबालिग है। तो क्या नाबालिग को इस तरह की हम लोग के देश के अंदर इस तरह का उनके अंदर जहर भरा जाएगा कि हिंदुस्तान को बटा जाएगा? मेरे नज़र में तो यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, साथ हमारा तुम्हारा छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये साथ छूटा तो भारत टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा। आज गांधी जी होते तो खून के आंसू होते कि ये भारत की, देखिए बाजू में अगर आप देखेंगे कि ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। मैं तो कहता हूँ कि सोचो, अभी भी वक्त है कि सोचो, आखिर कब सोचोगे? दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे
वक्त का मरहम दोनों सोचे, सोचे पर हम दोनों सोचे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों दर राख हुए हैं, उनके बारे में सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। एक कयामत सर पर होंगी, मौत हमारे सर पर होंगी, तब सोचोगे? सोचो आखिर कब सोचोगे? बापू के फरमान जले हैं, टीपू के अरमान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं, सारा हिंदुस्तान जलेगा, प्यारा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचोगे? अरे सोचो आखिर कब सोचोगे? ये जो सब हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, बताइए उन सबको कि ये मामूली लोग नहीं है, ये देश को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये अमन चैन के साथ में गोली खाकर भी अमन की बात करने वाले लोग हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो जो है अपने कला के जरिए जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि संविधान और एक खंजर जिस पे लिखा हुआ है कि NRC, CAA और NPR, ये खंजर जो है संविधान के सीने में धंसा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। तो कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार के खिलाफ जो है पूरे देश में इस कानून को लेकर अब विरोध प्रदर्शन जोरों से हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार है कि पीछे हटने को राजी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो भारत में और तेज़ होते जा रहा है, जिस क्षेत्र में है उसी तरह का जो है प्रदर्शन अपना विरोध इस कानून को लेकर जता रहा है। जो सिंगर हैं वो अपने गानों के जरिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो आम जनता है वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है शाहीन बाग की तर्ज पर, और जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर हैं, वो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अपने कला के जरिए इस कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, भिवंडी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।